कल्पना करो कि आपको भारत के एक दुर्दांत आतंकी को पकड़ने का अवसर मिलता है जिसने 10 से ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट में 450 से ज्यादा निर्दोष भारतीयों की जान ली हो, लेकिन आपको बताया जाता है कि ना आपको देश की सरकार से कोई सपोर्ट मिलेगा, ना आपको इंटेलिजेंस का बैकअप होगा और ना ही आप कोई हथियार ले जा सकते हैं, तो आप क्या करोगे? नमस्कार, मैं हूं अनिमेश पांडे और आज रिलीज हुई मूवी इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड, रेड, नो वन किल जैसिका, आमिर जैसी फिल्में बनाने वाले राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में बनी ये मूवी यासीन भटकल को पकड़ने वाले मिशन पर आधारित एक काल्पनिक कथा है जिसमें मुख्य कलाकार है अर्जुन कपूर, राजेश शर्मा, सुदेव नायर इत्यादि। ये कहानी मुख्य रूप से इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अदना अफसर प्रभात पर आधारित है जिसे अपने मुखबिर से इंडिया के मोस्ट वॉन्टेड आतंकी पर कुछ जानकारी मिलती है। वे अपने बॉस राजेश सिंह से इसके लिए अनुमति लेते हैं पर राजेश चाहकर भी उनकी कुछ मदद नहीं कर सकते, इसीलिए अपने दम पर प्रभात और कुछ अन्य इंटेलिजेंस अफसर जान हथेली पर रखकर नेपाल के लिए निकलते हैं जहां उनका टारगेट छुपा हुआ है। कैसे वे अनगिनत कठिनाइयों और अपने ही देश के हुक्मरानों की बेरुखी से जूझते हुए भारत के सबसे दुर्दांत आतंकियों में से एक को जीवित पकड़ के वापस लाते हैं, ये फिल्म उसी पर आधारित है। अब इस फिल्म के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ राजकुमार गुप्ता जी का, जिन्होंने काल्पनिक रूप से ही सही पर देश के आंतरिक सुरक्षा पर कांग्रेस समर्थित नौकरशाहों की बेरुखी को बखूबी पर्दे पर उतारा है। 5 वर्ष पहले जब यासीन भटकल को पकड़ने के लिए भारतीय इंटेलिजेंस अफसरों की एक टुकड़ी निकले थी तो उन्हें किसी भी प्रकार का सरकारी सपोर्ट नहीं मिला। उल्टे कुछ अफसरों की माने तो इन जाबाजों पर नाकाम होने के चक्कर में 2008 के हिंदू आतंकवाद थ्योरी की तरह किसी बेतुके आरोप में फंसने पर बर्बाद होने का खतरा भी मंडरा रहा था। पर इस मिशन में शामिल अफसरों का ध्येय दृढ़ था। एक अफसर के अनुसार चाहे जान जाए या नौकरी, पर हम उसे पकड़ कर ही दम लेंगे और आखिरकार नेपाल में छुप कर बैठे दुर्दांत आतंकी यासीन भटकल को भारतीय इंटेलिजेंस के कुछ अफसरों द्वारा 28 अगस्त 2013 को एक जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ लिया गया। इस दौरान इस आतंकी पर कोई गोली भी नहीं चलाई गई थी या यूं कहे हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इन्हीं गुमनाम वीरों को समर्पित है ये फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड। अब यदि बात करें फिल्म की तो इसमें खूबियां भी हैं और खामियां भी। इस फिल्म में गुप्तचर किस तरह काम करते हैं इस पर बखूबी ध्यान दिया गया है। यदि फिल्म में थोड़ा और कसाव होता तो बेबी की तरह ये फिल्म भी जनता को हर पल अपने सीट से चिपके रहने के लिए विवश कर देती। जहां एक तरफ फिल्म की सिनेमाटोग्राफी उच्च स्तर की है, वहीं इसके चित्रण में किसी भी प्रकार का तड़का या ड्रामेटाइजेशन ना होने के कारण कुछ लोगों के लिए पहला आप उनके सब्र का अच्छा खासा इम्तिहान ले सकते हैं। अब अर्जुन कपूर नमस्ते इंग्लैंड के मुकाबले तो काफी बेहतर दिख रहे हैं, पर एक सुलझे और मझे हुए इंटेलिजेंस अफसर बनने की चाह में कुछ जगह वे जरूरत से ज्यादा भावहीन हो जाते हैं। अच्छा हुआ वो फैंटम की कटरीना कैफ की तरह फैसले नहीं लेते, वरना यह मूवी उबाऊ भी हो सकती थी। सुदेव नायर, जिन्हें इस मूवी में शीर्षक भूमिका मिली है, उनका भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके बावजूद अगर कुल मिलाकर कहें तो इंडियाज मोस्ट वांटेड यासीन भटकल को पकड़ने वाले उन अनामी अफसरों के बलिदान को व्यक्त करती एक अच्छी फिल्म है। कई लोगों के लिए एक और बेहतर फिल्म हो सकती थी, पर यह एक सार्थक प्रयास है जिसे सही दिशा में अन्य फिल्मकारों को भी अपनाना चाहिए। मेरी दृष्टि में इंडियाज मोस्ट वांटेड को मिलने चाहिए 5 में 3 स्टार।